अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज इधर मैं कंद फिशां पे आई हुई थी क्योंकि कुछ मिठाई मैंने लेनी थी। वापस जा रही हूँ सऊदीया, तो उसके लिए मैंने मिठाई लेनी थी। वो यहाँ पे मैंने अभी ऑर्डर देने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, तो जिस दिन हमने जाना था उस दिन हम लोग वहाँ से मिठाई पिक कर लेंगे। तो यहाँ से जाने के बाद मैंने कामा वाली सरकार जाना था, तो वहाँ पे मैं कामा वाली सरकार की तरफ मैं गई हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह वहाँ पे इतना खूबसूरत उन लोगों ने दरबार बना दिया है, बहुत ही प्यारा। क्योंकि इससे पहले जब मैं यहाँ पे आई थी, एक वीरान सी जगह थी और दरबार शरीफ था, लेकिन ये है कि अब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत उन्होंने जगह बना दी है, साफ़ सुथरी सी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। बाकी यहाँ मैंने सामने ही मैंने देखा कि एक शॉप थी, तो वहाँ से मैंने चादर ली जो कि दरबार पे मैंने यहाँ पे चढ़ानी थी। कोई भी नहीं था इस वक्त, शायद धूप की वजह से, दोपहर की वजह से कोई इधर नहीं आया था। तो यहाँ से मैंने कुछ फूल लिए, फूल की पत्तियाँ ली थी, तो मैंने कहा चले यहाँ पे मैं अपनी हाज़िरी दे जाती हूँ। अल्लाह ताला कबूल करे, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। यहाँ के बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, सिर्फ इतना ही पता है कि जिन लोगों के बच्चे देर से बोलते हैं वो कोई मन्नत माने इस दरबार पर आए तो वो मन्नत पूरी होती है और बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं, और इससे ज़्यादा मैं नहीं जानती क्योंकि कोई बात गलत ना हो जाए, क्योंकि वाकई ही मैं नहीं जानती। इतना बस इतना ही पता है कि यहाँ पे दिल की मुरादें पूरी होती हैं, दुआ कबूल होती है, बस यही होता है। बाकी कबूल करने वाला अल्लाह पाक की ज़ात है। बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे वीडियो मत बनाएं आप, लेकिन मैंने उनसे परमिशन ली कि मुझे छोटी सी वीडियो बनानी है। तो ये दरबार का अंदर का हिस्सा है, माशाल्लाह कलमात लिखे हुए हैं, आयतुल कुर्सी चारों कुल लिखे हुए हैं, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। और ये दरबार शरीफ है, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो चादर चढ़ा रहे हैं। कुछ देर ही बस यहाँ पे रुके थे, कुछ आयत पढ़ी थी, कुछ थोड़ी सी पढ़ाई की थी, उसके बाद फिर हम लोग वापस चले गए थे। फिर मैं ना जाने के कब भी यहाँ पे आना होता, तो अल्लाह ताला कबूल करे, अल्लाह ताला इनके वसीले से ही अल्लाह पाक हमारी परेशानियाँ दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ से मैं वापस अपने घर आ गई थी, तो आप पूरी वीडियो देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें। मैं भी आपको अपनी हर दुआ में याद रखती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।